छोटी रानी साहिब, ये बहुत ही घातक गुट्टी का मिश्रण है। इसके ज्यादा सेवन से जान भी जा सकती है। नरोवा जी, वो लेकर आइए। बताओ क्यों किया ये सब? क्यों किया? किसके कहने पर किया ये सब? बताओ निमाजी। बताता हूं, मैं बताता हूं। बताओ। छोटी रानी मुझे माफ कर दीजिए। बताओ निमाजी, कौन था इस सबके पीछे? छोटी रानी मैं तो आपका गुलाम हूं, बस गलती यही हुई कि मैं धन के लालच में आ गया। नाम बताओ उन लोगों का। दरअसल वो, लेकिन आप मुझे माफ तो कर देंगी ना? पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। पीछे हटो, पीछे हटो। माफ करना दोस्तों, तुम दोनों की ना ही कोई गलती थी और ना ही तुम दोनों से कोई दुश्मन, लेकिन हमें खुद की जान बचाने के लिए तुम दोनों की चीख निकलवानी पड़ी और चीख निकलवाने के लिए तुम दोनों की बलि चढ़ानी पड़ी। हो सके तो हमें माफ कर देना। आज हम आपके हुनर के, आपकी अदा के कायल हो गए। पता नहीं छोटी रानी अपने मंसूबे में कामयाब हुई या नहीं। या अल्लाह रहम कर। वैसे जब आपकी कोई तारीफ कर रहा हो तो उस पर ध्यान ना देना अपमान माना जाता है रमजानी। यहाँ आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप का ध्यान न जाने कहाँ है। नहीं छोटे सरकार, ऐसी गुस्ताखी करने की ना हमारे अंदर हिम्मत है और ना ही ताकत। ऐसी गुस्ताखी करने का हम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। तो हमारे यहाँ मौजूद होने के बावजूद आपके इस रवैये का मतलब? वो छोटी रानी। छोटी रानी? क्या हुआ छोटी रानी को? नहीं छोटे सरकार, छोटी रानी को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर? तो हमें छोटी रानी ने ही ये महफिल सजाने के लिए कहा था। बात यह है कि छोटी रानी ने हमें नेमा जी को रोकने के लिए कहा था, लेकिन हमारा ध्यान चूक गया और नेमा जी महफिल छोड़कर चले गए। ये नेमा जी का क्या मामला है? और अहिल्या ने रमजानी से उसे रोकने के लिए क्यों कहा? हम चलते हैं। शिवा, तुम इस तरफ जाकर देखो, मैं वहां जाती हूँ। अहिल्या, क्या हुआ है? क्या किया है नीमाजी ने? पर सुबेदाजी वो भाग जाएगा, वो इसी तरफ गया है। अरे लेकिन नीमाजी ने किया क्या है अहिल्या? उसकी असलियत सामने आ गई है छोटे सुबेदाजी। कैसी असलियत है अहिल्या? तो उस गुट्टी में आपको कुछ नशीली दवा मिलाकर खिला रहा था इतने दिनों से, और वो किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा था वो हमें बताने ही वाला था, लेकिन वो हमें कुछ भी करके किसी भी हालत में उसे पकड़ना ही होगा। छोटे सुबेदाजी आओ हमारे साथ। निमाजी रुक जाइए, भाग क्यों रहे थे निमाजी? इसका मतलब अहिल्या सच कह रही है। नहीं, तुम हमारी गुट्टी में कुछ मिला रहे थे। बताओ निमाजी, किसके कहने पर किया ये सब? ये ऐसे नहीं बताएगा, इससे तो सच उगलवाना पड़ेगा। ये खंडेराव यहाँ से आ गया, अब क्या होगा? कहीं खंडेराव के दबाव में आके निमित जी ने हमारा और सासूबाई का नाम ले दिया तो? नाम बताओ उसका निमाजी, किसके कहने पर ये सब कुछ किया तुमने? बताओ उसका नाम। निमाजी उसका नाम बताओ। पहले ऐसे हम देखते हैं। नाम बताओ उसका। हमने तुम पर भरोसा किया, इतना भरोसा किया, तुमने हमें धोखा दिया। किसी कहने पर ये सब किया। नाम बताओ निमाजी। झूठे सुबेदाजी, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है इस सबके पीछे निमाजी? निमाजी बताओ। छोटे छोटे सुबेदाजी, मैं क्या हो रहा है? छोटे सुबेदाजी आपको ठीक नहीं लग रहा? छोटे सुबेदाजी अहिल्या, निमाजी निमाजी अहिल्या। छोटे सुबेदाजी अहिल्या, छोटे सुबेदाजी। आई साहेब, हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों? इस सवाल का ही जवाब चाहते हैं, इस क्यों का ही जवाब ढूंढ रहे हैं हम। जब हम दूसरों से हारते हैं ना, तो बात समझ में आती है। आज का दिन इतना खराब है कि हम अपने से ही हार रहे हैं। सीता, बहुत देर हो चुकी है, हमें अपने घर के लिए निकलना चाहिए। हमने पालकी तैयार करवा ली है, तुम निकलने की तैयारी करो। लेकिन इतनी रात को क्यों? सुबह निकलते हैं ना। निकलने की तैयारी करो। क्या हुआ? निमेची भागने में कामयाब हो गए। चलिए, ये चाल तो हम हार गए, लेकिन हमारे खेल का राज खुलने से बच गया। जावई साहब, निमाजी से कहिए कि वो मालवा छोड़कर चले जाए, क्योंकि अहिल्या, मल्हार सरकार और खंडेरा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें सही रास्ते से, सही तरीके से, सही जगह पहुंचा दिया गया। ऐसा सुभाई, आप बेफिक्र रहे। सासूबाई, आपने एक बात पर ध्यान दिया कि अहिल्या ने जो ये षड्यंत्र रचा है उसकी हमें भनक तक नहीं लगने थी। आपको क्या लगता है सासूबाई कि रमजानी अहिल्या के साथ मिली हुई है क्या? क्योंकि ये चक्रव्यूह तो अहिल्या ने रमजानी के साथ मिलकर ही रचा था। हमें अपनी अगली कोई भी चाल बहुत सोच समझ कर चलनी होगी सासूबाई। हमें सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। अब सब ठीक है। राजवती जी, इन्हें संपूर्ण आराम की जरूरत है। यह स्थिति ज्यादा गंभीर तो नहीं? जी हाँ, स्थिति गंभीर है, परंतु नियंत्रण में है। बात यह है कि अभी तक इनकी बीमारी का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इनका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा था। परंतु अब समझ में आ गया कि इनको नशीली दवाइयां दी जा रही थी। जल्द से जल्द उन नशीली दवाइयों का असर कम करने का प्रयास करेंगे। परंतु क्या? परंतु क्या वैद्य जी? छोटी रानी साहिब, नशीली दवाइयों का कुछ बुरा असर होता है। छोटे सूबेदार जी को रोज नशीली दवाइयों का सेवन करवाया जाता था, जिसकी वजह से उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एक तरह का खोखलापन आया है। परंतु अब अचानक ये दवाइयां बंद हो जाएंगी। इससे तरह तरह के असर दिखेंगे, क्योंकि इनके शरीर को उन दवाइयों की आदत पड़ चुकी है। रहते रहते मन विचलित होगा, क्रोध आएगा, रोना भी आ सकता है। अचानक ऐसे लगेगा कि शरीर की पूरी ताकत निचुड़ चुकी है। इसके लिए वाड़े के समस्त लोगों को तैयार रहना होगा। सूबेदारजी, हम सब आपके साथ हैं। ये सब कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है छोटे सूबेदारजी कि इससे आप बहुत जल्दी उबर जाएंगे। सुने, समझ रहे हो? कुछ होने नहीं देंगे हम सब तुम्हारे साथ है बेटा, हिम्मत रखो, कसम शिव शंभू की तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे, धैर्य रखो। छोटी रानी, पार्वती भाई साहब, क्या हुआ पार्वती भाई साहब? छोटी रानी, मैं एक माँ के लिए मायके चली गई और छोटे सुबेदार जी के साथ ये सब, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? ऐसे रोते नहीं है पार्वती भाई साहब, कुछ नहीं हुआ है और कुछ होता भी नहीं। आप यहाँ नहीं थी लेकिन आपकी दुआएं तो छोटे सुबेदार जी के साथ थी ना। और फिर हमारे शिव जी, इनकी कृपा तो सदैव रही है हम पर। सब ठीक हो जाएगा। आइए, आप आने वाली थी, बता देती, संदेशा भेज देती। रमजानी, ये पार्वती बाई साहब है। आदाब। वैसे तो छोटे सुबेदार जी की दूसरी पत्नी है लेकिन मुझे छोटी बहन होने का एहसास दिलाती है हमेशा। पार्वती बाई साहब, ये है रमजानी, छोटे सुबेदार जी के बीमारी के बारे में पता करने में रमजानी का बहुत बड़ा साथ रहा है। ये ना होती तो संभव नहीं होता। नहीं छोटी रानी, ये तो हमारा फर्ज था जो हम पूरा भी नहीं कर सके। वैसे भी एक कनीज अपने मालिक के लिए जान दे सकती है, हम तो बस जान नहीं, आपका बस साथ चाहिए रमजानी। और छोटी रानी जिसका साथ मांगी उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आपने जो छोटे सुबेदार जी के लिए किया उसके लिए शुक्रिया। वो बाबा साहब अपने कक्ष में। क्या? चलो। पता नहीं क्या हुआ है छोटे सरकार को, हम तो जा भी नहीं सकते, अपना दायरा छोड़कर, अपनी हदें तोड़कर। ए खुदा, उन पर अपनी नेमत बनाए रखना। पता नहीं ऐसा कौन सा रिश्ता है उनके साथ कि तकलीफ उन्हें होती है और दर्द हमें महसूस होता है। ए खुदा, सारे दर्द, सारी तकलीफ हमें दे दे, हमें दे दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.